Praise the Lord. Praise the Lord. आगे पढ़िएगा लूका के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 39 से। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और चकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल कर पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। अब स्वर्गदूत मरियम से जो बातें परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में होना था उसके बारे में कहा और एक चिन्ह प्रमाण के रूप में दिया। कहा तेरी कुटुंबनी एलिशिबा जो बांच कहती थी, जो बूढ़ी है, वो गर्भवती है, वो 6 महीना की है। अब स्वर्गदूत मरियम के पास आए तो एलिशिबा के जो बच्चे हैं वो पेट में 6 महीना का हो चुका है। अब ये चाहती थी अगले 3 महीना अर्थात 9 महीने के बाद वो बच्चा उत्पन्न होने से पहले वो जाकर उनसे मिले जो पहाड़ी देश में रहते हैं अर्थात ऊंचे पहाड़ी प्रदेश में वे लोग रहते थे अर्थात जकरिया और उनकी पत्नी एलिशिबा। तो मरियम शीघ्र ही पहाड़ी देश में उनसे मिलने के लिए गए। शीघ्र इसलिए गया 6 महीना हो चुका है, 3 महीने के बाद वो बच्चा उत्पन्न होगा, उससे पहले वो एलिशिबा से मिलना चाहती थी और उनके पास गई। 40वां पद और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अब जैसा मरियम एलिशिबा के घर में वह पहुंची और नमस्कार कह दिया। नमस्कार मतलब यहूदियों के बीच में नमस्कार करने का जो तरीका है उसमें शालोम कहते थे, मारानाधा कहते थे, तो उनमें से कोई भी शब्द उनसे कहे होंगे। शालोम मतलब तुम्हें शांति मिले या हमारा नाथा हमारा प्रभु आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक शब्द में उलूल से ऐसा विश्वास किया जाता है कि शालोम वो करी हो। जैसा मसीह बोलते हैं, प्रेस रोड बोलते हैं, वैसा ही यहूदी लोग आपस में मिलते समय अधिकतर शालोम कहते थे, परमेश्वर की शांति तुम्हें मिले। तो जैसे ही नमस्कार का शब्द कही, लिखा है जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बच्चा जो 6 महीना का है वह पेट में क्या हो गया, उछल लिया। उछला क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत बोला था यह उत्पन्न होने से पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। इसका मतलब यह बच्चा क्या हो रहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा था। क्यों? यह बच्चा 6 महीने का है, अभी भी कहां है, मां के पेट में। जैसा मरियम का नमस्कार का शब्द एलिशिबा के कान में पहुंचा, वह शब्द कौन सुना है,
हेलो, पेट में रहने वाला 6 महीने का बच्चा सुना और वो समझ गया। क्या समझा? जो मेरा सामने खड़ी है वो कौन है? मेरा स्वामी का मां है। एक प्रकार से यीशु मसीह का सेवा वहां से शुरू हुआ है। नहीं समझा? मरियम जब एलीशिबा से मिल रही थी उस वक्त यीशु मसीह कहां है? हैं? मरियम के पेट में है। एलीशिबा से मरियम मुलाकात करते वक्त मरियम गर्भवती थी। कैसे मालूम? आगे एलीशिबा कह रहा है, मेरे प्रभु के मां मेरे घर में आया। इसका मतलब एलीशिबा की प्रभु कौन? मसीहा, परमेश्वर, प्रभु यीशु उस वक्त कहां था? मरियम के पेट में था। एक प्रकार से मरियम का नमस्कार का शब्द के कारण यह बच्चा उछला नहीं है, जबकि मरियम नमस्कार कह दिया तब हुआ है। लेकिन मरियम के शब्द के खूबी के कारण यह बच्चा उछला नहीं है, बल्कि उस बच्चा जो 6 महीने का है उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने वाला मरियम का पेट में था। यीशु मसीह उस वक्त कहां था? मरियम के पेट में। एक प्रकार से दोनों पेट में रहकर आदान प्रदान कर रहा था। नहीं समझा? 6 महीना का ये यूहन्ना किसके पेट में? एलीशिबा के पेट में। और यीशु मसीह किसके पेट में? मरियम के पेट में। ये एलीशिबा और मरियम, उनको वहां कोई योगदान नहीं है। मरियम के पेट में रहने वाला यीशु मसीह उसके सामने 6 महीने से उससे बड़ा मनुष्य के रूप में, मानविक मनुष्य के गिनती के अनुसार यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा है। कौन? कौन? यूहन्ना। लेकिन पेट में रहने वाला यूहन्ना को मालूम है, मरियम के पेट में जो रहता है ना, ये एक मनुष्य नहीं है, मेरा परमेश्वर है। अर्थात यीशु मसीह की सेवा वहां से आरंभ हुआ है। कहां से? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पवित्र आत्मा से अभिषेक करने का काम यीशु मसीह मां मरियम के पेट में रह कर कर रहा था। यद्यपि मरियम और एलीशिबा इतनी गहराई नहीं समझे, लेकिन ये दोनों बच्चा समझ गया। क्या समझा? यूहन्ना समझ गया, यद्यपि 6 महीने से 6 महीना छोटा है वो, लेकिन वो छोटा नहीं है, मेरा सृष्टि कर्ता परमेश्वर है। इसलिए उछला और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, जो स्वर्गदूत जिब्राइल उस बच्चे के बारे में जो कहा, जन्म होने से पहले वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। यहां ये बात स्पष्ट है, बच्चा पेट में रहते वक्त भी सब कुछ जानता है। जानता है क्या? हेलो, बच्चा पेट में रहते वक्त जानता है क्या? पक्का जानता है? क्या जानता है? अंकल बोल रहे सब कुछ जानता है। सही बोला है, सब कुछ जानता है। 6 महीने का बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है तो बच्चा पूर्ण रूप से सब कुछ समझता है। आज वैज्ञानिक इस बात को कहता है, जिस दिन बच्चा मां के गर्भ में उत्पन्न होता है, उस दिन से लेकर वो बच्चा समझने लगता है। बच्चा समझने लगता है, जन्म होने से पहले वो बच्चा सारी बातें समझता है, सारी बातें। मैंने एक बार एक लेख पढ़ा था, करीब 6 या 7 बच्चों का हिस्टरी है उसमें। छोटा बच्चा है, केवल बोलना शुरू किया बस। एक बच्चे से
इतिहास की कोई सवाल पूछे, सब सवाल का जवाब देता है। पांचवी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक जो बच्चों को पढ़ाता है, उसका किताब में जितने भी सवाल है वो बच्चा बोलता है। यह बच्चा स्कूल में भी नहीं गया, अभी केवल बोलना शुरू किया है। बाद में मैंने देखा मीडिया वाले उन बच्चों तक पहुंचा, मीडिया वाले बच्चों से पूछ रहा है सवाल, सटीक उत्तर दे रहा है। क्यों मालूम? यह बच्चा जब अपनी माँ के पेट में था, यह माँ ट्यूशन पढ़ाती थी, कौन सा? हिस्ट्री का। तो वो क्या करती थी, बच्चों को बोलती थी और बच्चों से बार बार उसको क्या करती थी, दोहराती थी। अब पेट में रहकर यह बच्चा क्या कर रहा था, वो सुन रहा था, इसलिए सटीक जवाब दे रहे। इसका मतलब पेट में रहकर भी बच्चा हिस्ट्री सीख सकता है। हेलो, तो बाकी बातें सीख नहीं सकता है, सीखता है। एक बच्चा योगा का सारा काम, सारा सारा जो 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 स्टेप है ना, सब स्टेप करता है एक बच्चा। क्यों मालूम? उसका माँ जब से बच्चा पेट में था तब से योगा का किताब पढ़ती थी और उसमें जैसा लिखता वैसा करती थी। वो जो लेख वनिता, जो जो वनिता करके जो मैगजीन है, जो मलयालम मनोरमा का है, हिंदी में भी उपलब्ध है, उसका एक 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 महीने का उसमें पूरा विस्तृत रूप में उस बच्चों का, मेरे से पांच या छह बच्चों का वर्णन था उसमें। ऐसा वैसा था जब वे बच्चे अपनी माँ के पेट में थे, माँ जो काम करते थे वो समझते थे। आज वैज्ञानिक इस बात को 100% सही मान रहे हैं, बच्चे उत्पन्न होते ही सब कुछ समझता है। कुछ बच्चों में एक शोध चला पिछले दिनों में, शोध उन बच्चों में किया, कुछ बच्चे ऐसे हैं माता या पिता से घृणा करता है, माता या पिता से एकदम गुस्से में, बल्कि ये मां बाप उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया ही नहीं है। शोध चला ये क्यों, आखिर में पता चला क्या है मालूम, यह बच्चा जब उत्पन्न हुआ, ये बात या माता या पिता को जब मालूम हुआ कि बच्चा उत्पन्न हुआ है, तो माता या पिताओं में से जो बोला है अभी यह बच्चा नहीं चाहिए था, और जीवन साथी के साथ झगड़ा किया, इसको नहीं चाहिए था, इसको अबॉर्ट कर दो, इसको खत्म कर दो, ये बातें बोला था, वह बात इस बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में पाए जाते हैं। वो उनमें वो बच्चा को भी नहीं मालूम क्यों बाप से इतना घृणा करता है, मां से बाप माता से इतना मां से इतना घृणा करते हैं। कारण यह था, इसका मतलब बच्चा उत्पन्न होते ही मां बाप ने जो बातें कहा, शब्द कहा, वो बच्चे समझ सकते हैं। अर्थ बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, जब से पेट में है तब से सिखाओ। हेलो, इसलिए जब जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमारे विश्वासियों के परिवार में कोई ऐसा कंसीव हो जाए, गर्भवती हो जाए, हम एक बात उनसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ना, जोर से पढ़ना, और घर में सिनेमा का गाना नहीं, तुम्हारा टीवी चालू नहीं होना चाहिए, है सीडी प्लेयर चालू होना चाहिए। कौन सा गाना सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन का गाना, क्योंकि तुम्हारा बच्चा क्या करता था, उसको समझता है वचन, समझता है, सुनता है, सीखता है। प्रेज द लॉर्ड, यह परमेश्वर का वचन का प्रमाण है। 6 महीना का यह बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, इसका मतलब ये जान लिया, समझ गया, मेरे सामने जो खड़ी है उसके पेट में जो है वो कौन है, मेरा उद्धारकर्ता मसीहा है। इसलिए वो उछल गया और पवित्र आत्मा से
वह परिपूर्ण हुआ। 41वां पद, जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। हेलो, दो व्यक्ति पवित्र आत्मा से क्या हो गया? एक कौन? बच्चा जो पेट में वो उछल गया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और मां भी क्या हो गया है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। क्यों? परमेश्वर की ओर से अनुग्रहित आशीषित मरियम, वह घर में पहुंचना काफी था, मां और बेटा दोनों अभिषित हो गया है। अभिषित जन किसी घर में जाए वह घर में भी अभिषेक आएगा। आशीषित व्यक्ति किसी घर में जाए वह घर में भी आशीषित आशीष आएगा। उल्टा भी है। हेलो, श्रापित व्यक्ति कहीं जाए तो जगह भी क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करें, मैं ऐसा अभिषित व्यक्ति पाया जाऊं, ऐसा अनुग्रहित व्यक्ति पाया जाऊं, जहां कहीं भी जाओ वह घर वह स्थान वह व्यक्ति अभिषित हो जाए और आशीषित हो जाए। अभिषित मरियम एलिशबा के घर में पहुंची, एलिशबा और उसका बेटा दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। 42वां पद, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। अब जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, कौन? एलिशबा। वह भविष्यद्वाणी करने लगा, क्या कहते हैं? तू स्त्रियों में धन्य है। यह नहीं कहा तू सब स्त्रियों में धन्य है, तू स्त्रियों में क्या है? धन्य है मरियम। क्यों ऐसा बात भी बोला? क्योंकि मरियम जो कहा ना स्वर्गदूत से, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए, तब अपना जान जोखिम में डालकर वो निर्णय लिया था। इसलिए एलिशबा से होकर पवित्र आत्मा मरियम से बात कर रहे हैं, कहता है तो स्त्रियों में धन्य है, अपमान सहने के लिए, मृत्यु सामने है तो उसको भी स्वीकार करने के लिए तो अपने आप को समर्पित किया, इसलिए तो स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। इसका मतलब उस बता मरियम का पेट में कौन है? हेलो, कौन है? इसलिए कह रहा पेट का, तेरा पेट का फल धन्य। इसका मतलब यीशु मसीह उस वक्त मरियम के पेट में था, इसलिए कहते हैं तू धन्य है और तेरा पेट का फल धन्य है। 43वां पद, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है? एलिशबा क्या कह रहा है? यह अनुग्रह मुझे कहां से मिला? क्या है? मेरा प्रभु की माता मेरे पास आई। मतलब ये एलिशबा समझ गई, यह मेरी कुटुंबिनी जो मरियम है उसके पेट में जो है वो छोटा बच्चा नहीं है, मेरा प्रभु है। वो कहती है मेरे प्रभु की मेरी माँ मेरे घर में आना, यह अनुग्रह की बात है। इसका मतलब एलिशबा समझ गई, ये मेरा घर में आना मेरे लिए अनुग्रह का कारण है। हम किसी घर में जाएं तो घर वालों को पता चलना चाहिए मेरा घर में ये आना मेरे लिए आशीष का कारण ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है तो क्या होना चाहिए? ऐसी बातें बोलना चाहिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप किसी के घर में जाएं वो घर के लिए आशीष का कारण है होना चाहिए, तो अनुग्रह की बातें करना चाहिए, तभी होगा। किसी का नुताचनी करने के लिए, किसी का बुराई करने के लिए किसी का घर में जाएं तो तुम भी श्रापित हो जाएगा, वो घर भी श्रापित हो जाएगा, घर के लोग भी श्रापित हो जाएगा। ऐसा ना हो। यदि किसी का घर में जाए वह घर में आशीष आ जाए और वे कहें आगे जाकर, ये मेरा घर में आना
मेरे घर के लिए आशीष का कारण ठहरा है। एलिशिबा कह रही है, मेरी प्रभु की मां, मेरे घर में आने का अनुग्रह मुझे कहां से हुआ है। 44वां पद, देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। इसका मतलब 6 महीना का बच्चा उछल पड़ा, क्यों? उसका क्या आया? आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि उसने अपने उद्धार करता यीशु को किसके पेट में देखा है? मरियम के पेट में देखा, जिसके कारण वह उछल पड़ा। 45, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हेलो, ध्यान से सुनिए, अभी मरियम के बारे में एलिशिबा क्या कह रही है? धन्य है तू। क्यों? क्योंकि तूने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? जो तुझसे कही है वो पूरी होगी। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई है वे पूरी होगी। समझ में आया क्या? एलिशिबा क्या कह रही है? बेटी तू धन्य है। क्यों? क्योंकि तूने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? प्रभु की ओर से तुझसे जो कही है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? तू धन्य है बेटी, क्योंकि तूने प्रभु ने जो कहा उस पर विश्वास करे किया कि वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक गूंगा बुड्ढा अंदर पड़ा है जो क्या नहीं किया है, विश्वास नहीं किया। तू कौन है? धन्य है क्योंकि तूने क्या किया? मेरी बात को समझ रहे क्या? एलिशिबा यही कह रही थी, तू धन्य है बेटी क्योंकि तूने क्या किया है? विश्वास किया। लेकिन वो बुड्ढा विश्वास नहीं किया, इसलिए कैसा पड़ा है? परेशानी इसको भी हो रहा है। किसको? अरे वो गूंगा होने के कारण परेशानी किसको भी है? हैं? एलिशिबा को। गूंगा भी नहीं, फिर बहरा भी है। केवल स्वर्ग तो बोला गूंगा हो जाओ, वो क्या भी हो गया। अब परेशानी इसका बोल गया, कुछ बोलना है तो बोल भी नहीं सकता, बोल लिया तो वो सुन भी नहीं सकता। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? संकेत करके पूछना पड़ता, नहीं तो लिख कर पूछना पड़ता है। परेशानी तो है, इसलिए बोली तू धन्य है बेटी क्योंकि तूने क्या किया है? विश्वास किया। याद रखना, परमेश्वर हमसे जो कहता है हम उस पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यद्यपि हमें लगे ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, जिसने हमसे कहा है वो बातें पूरी करें। हमारा कर्तव्य है कि हम ये मरियम के समान उन बातों पर जो परमेश्वर ने हमसे कहा है विश्वास करने वाले हो जाएं। आगे पढ़िए 46 से। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। या अब मरियम जब एलिशिबा के घर पहुंची,
नमस्कार कह दिया, बच्चा और मां पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उतना ही नहीं, मरियम भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह भविष्यद्वाणी करने लगी, वह परमेश्वर की स्तुति करने लगी। वह केवल परमेश्वर की स्तुति ऐसा ही नहीं कर रही थी, परमेश्वर के वचन में लिखी गई बातों को दोहरा रही थी, भजन संहिता में लिखी गई बातों को और पहली शमूएल की पुस्तक में लिखी गई कई बातों को आत्मा में होकर वह कह रही थी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। यहां मरियम कहती है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। आत्मा और प्राण और शरीर संपूर्ण रूप में ही अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पित किया। उसने मन से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और शरीर वह वचन की बातें पूरी होने के लिए समर्पित किया और आत्मा से वह परमेश्वर की आराधना करती है और कहते हैं, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। आगे का शब्द देखिए, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, इसका मतलब मरियम को भी क्या चाहिए? और सब बोलिए ना, कैथोलिक लोग कहते हैं मरियम, पवित्र मरियम है, उसको कोई उद्धार की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करना है तो किससे करें? मरियम से कहें। वो किसको बोलेंगे? यीशु मसीह को, बेटे को बोलेगा। बेटा किसको बोलेगा? पिता को बोलेगा। लेकिन यहां स्वयं वो क्या कहती है? मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर। इसका मतलब इसको भी क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। मतलब ये भी कौन है? पापी है। मरियम स्वयं कह रही है, मैं पापी हूं, मुझे भी उद्धार चाहिए। यद्यपि जरूर विधि के अनुसार पवित्र जीवन बिताने वाली है, लेकिन उसमें पाए जाने वाला पाप का स्वभाव जो आदम से चले आते थे वह मरियम में भी था। इसलिए वो कहते हैं, उद्धार मेरे उद्धार करने वाले प्रभु। इसका मतलब मरियम भी जान गया, मेरा उद्धार कौन देगा? मेरा पेट में रहने वाला यह बच्चा। हेलो, मरियम जान गई है, मेरा पेट में जो रहता है ना वो मेरा बच्चा नहीं है बल्कि मेरा उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह मरे, वो मेरे जी उठने के बाद स्वर्ग की ओर चले गए तो अपने चेलों को बोला, जब तक ऊपर से सामर्थ नहीं पाएगा तब तक ठहरे रहना बोला। पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो बैठे वो उन लोगों का लिस्ट में किसका भी नाम है? यीशु मसीह की माता मरियम। यीशु मसीह की माता कोई स्पेशल लेडी थी? तो यीशु मसीह सो, हाँ मेरी माँ तो थी ना, पहले इसको दे देते हैं। कौन सा? पवित्र आत्मा। सोचा है क्या? नहीं है। चाहिए तो तुम भी बैठो, माँ है तो क्या है। यीशु मसीह की माता मरियम, ये क्या था? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए चुन लिया गया एक पात्र केवल है। एक प्रकार से यही सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। यीशु मसीह एक स्त्री के गर्भ में अपने आप को समा जाना या उसको छोटा करना, यह है सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म। कौन? ब्रह्मांड का रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को इतना छोटा किया, उनकी सृष्टियों में से एक मरियम, एक स्त्री उसके पेट में अपने आप को छोटा कर दिया। यह था सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म। मेरी बात को समझ रहे क्या? यीशु कौन है? वह ब्रह्मांड का रचयिता है। मरियम कौन है? मरियम उसका सृष्टि है। यह मरियम को बनाने वाला यीशु है, यह परमेश्वर है। वो अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि अपनी सृष्टि के पेट में वो अपने आप को नम्र करके छोटा बनकर आया। यही था सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म।
एक प्रकार से इतिहास का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है। सृष्टि करता एक सृष्टि में अपने आप को समा दिया, लेकिन वह सृष्टि मरियम को भी उद्धार की जरूरत था, इसलिए कहती है मेरी आत्मा उद्धार करने वाले परमेश्वर की परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम जान गई है कि यद्यपि मैंने अपने जीवन में जोखिम उठाया है, अपमानित होने के लिए परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरी होने के लिए तैयार हुआ, लेकिन एक बात सच है, युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हम जरूर यीशु मसीह की मादा मरियम की आदर करते हैं, लेकिन आराधना नहीं करते हैं। आराधना के योग्य केवल एक ही है, वह प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। बाकी कोई भी मनुष्य ना जीव जंतु ना कोई स्वर्गदूत आराधना के योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में आराधना के योग्य केवल एक ही है, वह प्रभु यीशु मसीह है। मरियम कहती है मैं आनंदित हूं क्योंकि आज से लेकर युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। जरूर लोग कहा है, यीशु मसीह को देखकर कहा है, जिस पेट में तू रहा है वह धन्य है, जिस धन का दूध तूने पिया है वो धन्य है। तब से लेकर यीशु मसीह की माता मरियम को धन्य कहना आरंभ किया। आज भी वह स्त्री धन्य है क्योंकि उद्धार करता जन्म होने का, उसको जन्म देने का अनुग्रह यह स्त्री को मिली है, जिसके कारण वह धन्य है। लेकिन आराधना के योग्य नहीं है, वह भी हमारे समान एक मनुष्य है, उसको भी उद्धार की जरूरत था, उसको भी पाप की क्षमा की जरूरत थी। इसलिए वो कहती है मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर। जासुआ पद 49, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। वह परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर की महिमा करती है। एक प्रकार से पहले शमूएल की पुस्तक दूसरा अध्याय में जो बातें आत्मा में होकर कही गई थी उन बातों को वो दोहरा रही है। इसके अलावा यहूदियों के बीच में पाए जाने वाले कुछ किताबों में पाए जाने वाली बातों को भी वो स्मरण करती है। इस भाग में भजन संहिता से भी कहती है हन्ना जो परमेश्वर का वायदा उनके जीवन में पूरी हुई है, तब परमेश्वर की महिमा करती हुई जो गाना गाती है वो भी यहाँ वो दोहरा रही है। 50वां पद, और उसकी दया उन पर जो उनसे उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर की दया हर व्यक्तियों पर जो परमेश्वर से डरते हैं पीढ़ियों से पीढ़ी तक बने रहते हैं। यदि हमारी पीढ़ियों में परमेश्वर की दया बने रहना है तो हम परमेश्वर का भय मानने वाले हो जाए। 51, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया है। इतिहास में परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर हम कुछ है, हम बड़े हैं, ये जो समझते थे उन्हें परमेश्वर ने तितर बितर किया, सत्यनाश किया। उन बातों को मरियम स्मरण करती है। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। जो अपने आप को समझते थे हम बलवान हैं परमेश्वर नीचे गिरा दिया और जो दीन था उन्हें ऊंचे स्थानों पर नियुक्त किया। पुराने नियम में इसराइलियों के बीच में परमेश्वर जिन लोगों को अपनी महिमा का इस्तेमाल किया, जैसे शाऊल जो ऊंचे पर था वो परमेश्वर की विधि को तोड़ा है उसको गिरा दिया, और नीचे स्तर पर पाए जाने वाले दाऊद को ऊंचे पर उठाया। इन सारी बातों को स्मरण करके ये मरियम ये गीत गा रही होगी। 53 पद, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया। ये परमेश्वर की अनुग्रह है जो दीनों पर दरिद्रों पर प्रकट होती है। उस वक्त परमेश्वर की आज्ञा नाम मानने वाले धनवानों को परमेश्वर कंगाल भी बनाता है, वह कंगाल को धनवान भी बनाता है, और धनवान जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है उसको दिन
एक ही दिन में या क्षण भर में कौन भी बनाता है। हेलो, छूछे हाथ मतलब कंगाल हो गया। पिछले मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा देखा, महल में रहता था, एक ही बाढ़ आया पूरा महल गायब। देखा होगा कई महल जमीन सहित क्या होता गया है, नीचे चला गया, जमीन ही नहीं है। घर तो छोड़ो, जमीन ही नहीं है, कई पहाड़ ऐसा ही बह गया। धनवानों को वो क्या करता है, नीचे गिरा देता है। हम अपनी धन पर कभी घमंड ना करें, हमारे पास जो कुछ है उस पर कभी घमंड ना करें। हम घमंड केवल उस पर करें जिसने यह धन हमें दिया है, अर्थात परमेश्वर पर। घमंड करें तो परमेश्वर नीचे लाएगा, और दीन जो है उनको परमेश्वर ऊंचे पर उठाएगा। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे। इसराइल जो परमेश्वर का सेवक कहा गया है, परमेश्वर का भय मानने वाले इसराइल पर परमेश्वर की दया प्रकट हुई है। 55, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम परमेश्वर की ओर से अपनी वायदा उनकी बाप दादाओं को दी गई वायदाओं को स्मरण कर रही है। एक प्रकार से मरियम वचन जानती थी। मरियम ये बात जान लिया, जो बच्चा मेरा पेट में जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ये मेरे बाप दादाओं से परमेश्वर की वायदे की पूर्तिकरण है। बाप दादाओं से परमेश्वर जो वायदा किया उसका पूर्तिकरण है ये, जो मेरे पेट में पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य जाति का उद्धार करता एक स्त्री का संतान होकर इस पृथ्वी पर आएंगे। शैतान के कामों को निकम्मा करके मनुष्य जाति को पाप से बचाएगा। यह बाप दादाओं से की गई वायदा है, उसकी पूर्तिकरण है। ये अनुग्रह जो मेरे जीवन में पाए जाते हैं वो उस बात को कह रही थी। 56वां पद, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई है। कौन सा महीने में पहुंची थी वहां? एलिशिबा की 6वां महीना। और कितना महीना रही? 3 महीना, मतलब 9 महीना। 9 महीना मतलब, यह नहीं लिखा है मरियम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होने के बाद वापस लौटा है, लेकिन जरूर वह 9 महीने तक वहां रही है। इसका मतलब एक प्रकार से जरूरी नहीं है, एक प्रकार से और सत्ता है, उसने बच्चे को देखने के बाद ही लौटी हो। लेकिन कुछ विद्वानों का अभिप्राय, यदि मरियम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बच्चा जो जन्म हुआ था उसके बाद आए हैं, तो जरूर उसका जिक्र यहां करता। वो जिक्र नहीं है जिसके कारण ऐसा विश्वास किए जाते हैं। एलिशिबा का प्रसव का समय जैसा नजदीक आए तब ये मरियम वापस अपना घर लौट गई है। आगे पढ़िए 57 पद से, तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वाले पर भय छा गया और उन पर सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि यह प्रभु का हाथ उसके साथ था। तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को
जन्म दिया है। अब मरियम घर लौटने के बाद यह घटना लिखा है, जिसके कारण विश्वास किए जाते हैं कि वह मरियम एलिशिबा की प्रसव जब हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, उस वक्त मरियम वहां नहीं थी। तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। सारे कुटुंबी पड़ोसी लोग आकर उनके साथ इस बच्चे के जन्म के कारण आनंद मनाया। याद रखना, ये याजक जकरिया जब परमेश्वर के मंदिर में था, तब ये दर्शन देखा, स्वर्गदूत उनसे बातें किया, ये सारी बातें सब इसराइल जान गया, क्योंकि ये उस वक्त मंदिर में क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। बाहर आया कैसे, आशीर्वाद देने के लिए आया, क्या नहीं हो रहा था, मुंह खुल नहीं रहा था। तब से लेकर पता चला इसके, जिससे परमेश्वर ने क्या कहा था, जिसके कारण इसके घर में पैदा हुआ बच्चा, उसके बारे में लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, यह बच्चा साधारण बच्चा तो नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत का स्वर्गदूत यह बच्चा जन्म होने से पहले आकर बोला भी है। इसलिए जब यह बच्चा वहां जन्म हुआ, सारे पड़ोसी लोग इकट्ठा होकर आनंद मनाया। और 59वां पद, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। 8वां दिन खतरा, यहूदियों के बीच में एक बालक उत्पन्न हो जाए, 8वां दिन उसका खतना कराना जरूरी है। परमेश्वर अब्राहम को दिया गया एक नियम था कि तुम और तुम्हारे सारी जंदानों में जो कोई लड़का पैदा हो, उनका 8वां दिन उसका खतना कराना जरूरी है। कोई भी यहूदी बालक जन्म हो तो जरूर 8वां दिन उसका खतना किया जाता था। ये यूहन्ना जब जन्म हुआ, तब उनका खतना कराने के लिए लाए, लेकिन खतना कराते वक्त उस बच्चे का नाम भी रखता है, नाम भी रखता है। नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहूदियों के उस परंपरा में, उसकी रजिस्टर में इस बच्चे का नाम जुड़ जाएगा, जिसके कारण यह नाम लिखना रखना जरूरी था। अब उन दिनों में पिता का नाम बच्चों को दिया जाता था, अर्थात नाम उनको लिए दिया जाते थे, उसमें मुख्य नाम पिता का नाम रहेंगे, ताकि पिता का नाम उनकी पीढ़ियों में बने रहे। इसलिए जब यह बच्चा पैदा हुआ तो लोग उसका नाम जकरिया रखना, उसका पिता नाम पे, तो उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। क्यों यूहन्ना रखने के लिए कहा, इसको कैसे मालूम उसका नाम यूहन्ना रखना है, पक्का ये जकरिया गूंगा बहरा सब जरूर है, लेकिन पत्नी को सारी बातें बता दिया था। कौन सी बातें हैं, जो वहां हुआ था कैसे बताया, संकेत करके बताया होगा, नहीं तो क्या करके कहा, पूरा हिस्ट्री लिखकर। 9 महीना तो था ना, नहीं है क्या, 9 महीने से क्या करता गया हूं, लिख कर दिया था, बोला था जब बच्चा जन्म होगा उसका नाम क्या रखना चाहिए, यूहन्ना रखना चाहिए। तो मां बोली इसका नाम यूहन्ना रखो, तो पड़ोसियों ने बोला ये यूहन्ना क्या रखते, क्यों रखते हो, क्योंकि तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। उन्होंने उससे कहा 61वां पद, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। अब देखिए बच्चा पैदा हुआ, 8वां दिन आया, इसका नाम रखना है, कथना कराना है, नाम रखना है। मां से, मां ने बोला इसका नाम क्या रखना चाहिए, यूहन्ना रखना। लेकिन पड़ोसी और कुटुंबियों ने सोचा बाप के नाम जकरिया है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखें, जकरिया रखें। तो मां बोली यूहन्ना रखना है, तो बोला ऐसा करो उससे पीछे पूछे किससे, किससे, पिताजी से। पूछा कैसे, संकेत करके पूछा, इसका मतलब ना तो सुनता ना तो बोलता,
इसलिए संकेत करके पूछा। उसने बोला एक पट्टी मंगवाए उससे। पट्टी में क्या लिखा? योहन्ना लिखा। तब लोग आश्चर्यचकित हुआ। उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम योहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ है। सबको आश्चर्य क्यों लगा? क्योंकि एलिशिबा भी क्या बोली, इसका नाम क्या रखना है? योहन्ना। अब ये भी क्या लिख कर दिया है? क्या लिख कर दिया है? योहन्ना रखना है, लिख कर दिया। दोनों एक ही नाम बताए, क्योंकि इनके कुटुंब में किसी का नाम वो नहीं है। तो दोनों सबको आश्चर्य हुआ। लेकिन आश्चर्य सबसे बड़ी बात यही था, तब उसका मुंह और जीव तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब उसने बच्चे का नाम योहन्ना रखना है इतना लिखा, उसका जीव और मुंह क्या हो गया है? क्या क्या खुल गया? जीव और मुंह। ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। मुंह खुल गया था, मुंह क्या था? मुंह खुल गया इसका मतलब अभी तक मुंह बोलिए ना, तो खाना कैसे खाया? इसका मतलब यह नहीं है वो खाना नहीं खाया, उपवास में था, 9 महीना उपवास में था, 9 पका वो मर जाता, उपवास में नहीं था। उसका मुंह खुला जरूर था, जीभ और मुंह खुला। इसका मतलब बोलने के लिए उसका मुंह क्या हो गया? खुल गया। अभी तक मुंह खुलता था जरूर, लेकिन कई लोग सोचते हैं उसको मुंह परमेश्वर क्या कर दिया, जैसा क्लिप लगाकर बंद करके रखा वैसा किया? नहीं नहीं नहीं, वो खुला जरूर था, लेकिन बोलने के लिए उसका मुंह क्या था? बंद था, वो खुल गया और बोलने लगा। तो बोला क्या है? बच्चा कि तू कितना सुंदर है, यही बोला है क्या? पहले उसने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्यों? ये एक धर्मी परमेश्वर का भय मानने वाला होने के कारण यह भी इनका उद्धार करता मसीहा के इंतजार में था। अब ये जान गया मेरा उद्धार करता मसीहा आने का समय हो गया, क्योंकि उससे पहले उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए जो आया है वो मेरा घर में पैदा हुआ है। इसके कारण उसका हृदय आनंद से भर गया, वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। जो घटनाएं हुई है 9 महीने से, जो घटनाएं हुई है अर्थात मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति, स्वर्गदूत की उपस्थिति वहां हुई, तब से लेकर जो घटनाएं हुई है वो सारी बातें लोग सुना है, तब से लेकर ये बच्चा कौन होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानने के लोग बहुत उत्सुक था। और जो बातें हो रही है जिसके कारण लोगों के अंदर एक भय छा गया। क्यों? क्योंकि सब 400 साल के अंदर किसमें पाया जाता था? अंधकार युग में है, प्रभु में नहीं था। कुछ तो जरूर था, कुछ लोग जकरिया एलिशिबा के समान कुछ लोग जरूर था, लेकिन अधिकतर लोग प्रभु से दूर था। उनके अंदर भय छा गया, क्योंकि अनोखी बातें उन दिनों में हो रही है। सबका नजर यह बच्चे पर था कि यह बच्चा कौन होगा और कैसे होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उनके साथ था। किसके साथ? ये योहन्ना के साथ था, इसलिए लोग उनके ऊपर नजर रखा। बड़ी आगे 67 वापस से, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इसराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है,
और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपने पवित्र वाचा का स्मरण करें, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक का परम प्रधान का भविष्यता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ाई करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्गों में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इसराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। अब जब उसका मुंह खुल गया, सबसे पहले वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, भविष्यवाणी की आत्मा उसमें आ गया। वो क्या करने लगा है? भविष्यवाणी करने लगा। अभी तक ये भविष्यवाणी नहीं किया था, अभी तक केवल ये एक याजक था, एक लेवी याजक था। लेकिन जब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म उनके जीवन में प्रकट हुआ, तब वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, परमेश्वर का अभिषेक उन पर आया, वो भविष्यद्वाणी करने लगा। वो क्या कहते हैं? प्रभु इसराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उसका उनका छुटकारा किया है। इसराइल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। याद रखिए, ये याजक है जिसके कारण इसराइलियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होना, ये इनकी कामना है, अर्थात मसीहा इनकी छुटकारा प्रदान करे, ये इनकी प्रार्थना भी है। अब ये जान गया कि परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर प्रकट हो रहा है और ये निश्चित तौर पर छुड़ाए जाएंगे। इसलिए वो कहा, इसराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में इसलिए एक उद्धार का सिंह निकाला। अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। सिंह जो हमेशा एक राजत्व को दर्शाता है, एक राजत्व। यहां कहते हैं परमेश्वर दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला है, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आने वाले दिनों में परमेश्वर का काम प्रकट होगा। उससे पहले उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया इनका पुत्र, जिसके बारे में वो जान गया, इनका पुत्र का बच्चे का जन्म है, इसके द्वारा वो जान गया जरूर इसराइलियों का उद्धार का समय निकट आया है। 70, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। देखिए, मनुष्य जाति का उद्धार परमेश्वर कराएंगे, इसके बारे में उसने भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कहा। कब से कहा? हेलो, वहां क्या लिखा है? जगत के आदि से। जगत के आदि मतलब वह मनुष्य जाति का आदि। कब? जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर उनके पाप के आधार पर उनको दंड दिया। लेकिन दंड देने से पहले परमेश्वर ने वायदा किया, स्त्री का संतान शैतान को सिर को कुचल डालेगा। ये पहला भविष्यवाणी था, मनुष्य जाति के लिए दी गई सबसे पहला भविष्यवाणी। दिया किसने? परमेश्वर ने। ऐसा है तो इस ब्रह्मांड का पहला भविष्यदत्ता कौन है?
स्वयं परमेश्वर है। भविष्यद्वाणी क्या था? पाप में गिरा हुआ मनुष्य, तेरा पाप क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। तब से लेकर अनेक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ये बातें बताता गया कि मनुष्य जाति का उद्धार होगा। एकत्र अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। इसराइली लोग, इसराइल का देश, का देश पूरा भी शत्रुओं से घिरा रहता था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उनको उद्धार दिया है कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपने पवित्र वाचा का स्मरण करें। परमेश्वर अपने इसराइलियों से किए गई वाचा स्मरण करें। वाचा क्या था? इसराइली मतलब कौन है? अब्राहम से आरंभ हुआ था। अब्राहम से किया गया वाचा क्या था? कहा तेरे कारण सारी जातियां आशीषित होगा। कौन है वो? यीशु मसीह के द्वारा सारे मनुष्य जाति पाप के अधीन में पाए जाने वाले छुड़ाए जाएंगे। इस बात की घोषणा अब्राहम से परमेश्वर शुरू किया, तब से लेकर उन वायदाओं को स्मरण कराता गया। इसलिए कहता है कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा स्मरण करें, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्र और धार्मिक पवित्रता और धार्मिकता के धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहेंगे। जकरिया आत्मा में होकर अब्राहम से की गई वाचा को स्मरण कर रहा है। परमेश्वर अब्राहम से जो वाचा बांधा उसको दोहरा रहे हैं, अर्थात मनुष्य जाति जो अब्राहम के वंश परंपराओं में आने वाला मसीहा के द्वारा बचाए जाएंगे, उसकी बातें वो स्मरण दिला रहे हैं। 76वां पद, और तूने तू हे बालक परम प्रधान का भविष्य तक कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। अब यह भविष्यदत्ता, नया भविष्यदत्ता कौन? कौन? जकरिया। पहला अभी पहली कभी भी क्या नहीं किया था? वो भविष्यवाणी नहीं किया, अभी भविष्यवाणी कर रहा है। किससे भविष्यवाणी कर रहा है? अभी किससे कर रहा है? अभी इसराइल के बारे में बोला, अभी किसको बोल रहा है? बच्चे को देखकर बोल रहा है। बच्चा कितना दिन का है? हेलो, 8 दिन का है। ये हो का कब है? खतना करा रहा ना, उस तब हो रहा है। 8 दिन का बच्चे को देखकर क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अब तू है बालक परम प्रधान का भविष्यदत्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। जकरिया यीशु मसीह यूहन्ना 32वां देने वाले के बारे में, उसका बेटे के बारे में भविष्यद्वाणी कर रहा है। क्या कहते हैं? तो आगे चलेगा। किसके आगे? प्रभु के आगे। क्या करेगा? प्रभु के लिए मार्ग तैयार कराएगा। प्रभु के लिए मार्ग तैयार कराएगा मतलब, दिनों में कोई भी एक देश का राजा किसी देश के प्रांत में जाए तो जाने से पहले उनके लिए लोग पहले जाकर रास्ता तैयार करता है। आज के समान रोड नहीं है, लेकिन राजा चाहते हैं फलाना जगह पर जाना, राजा का रथ आराम से जा सके, उसके लिए वो यहां उस जगह को, इस मार्ग को तैयार करता था। तो राजा जाने से पहले उनके लोग जो नियुक्त किए गए हैं, वे लोग जाकर राजा के लिए मार्ग तैयार करता था। इसलिए कह रहा है तू भी मार्ग तैयार करने वाला है। किसके लिए? प्रभु के लिए। कौन सा प्रभु? राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे भेजा है। यही काम तू करेगा। किसको बोल रही है? हेलो, किसको बोल रहा है? एलिशिबा को नहीं बोल रहा है, बालक को बोल रहा है। इसका मतलब बालक सुन रहा है क्या?
जरूर सुन रहा है, तब तो बोल रहा है, बोल कर हे बालक तू, इसका मतलब किससे भविष्यवाणी कर रहा है? बालक है, कितना दिन का है? इसका मतलब 8 दिन का बच्चा भी क्या कर सकता है? हैं? समझ सकता है? आप जो कह रहे हैं 8 दिन का बच्चा भी समझ सकता है, क्योंकि जकरिया अपना बेटा 8 दिन का है, उसे क्या कर रहे हैं? भविष्यद्वाणी करके कह रहे हैं, भविष्यद्वाणी करके कह रहे हैं। तो परम प्रधान के आगे चलेगा मार्ग तैयार करते हुए कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। लोगों को ज्ञान देना यही तुम्हारा काम है। आगे जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवा देखें, यही बातें पाए जाते हैं। उनका पिता उनके बारे में जो भविष्यवाणी किया वह सारी बातें उसमें पाए जाते हैं। 78 ये हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। जो कुछ होगा यह परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। यह अनुग्रह से कहा, अनुग्रह कहां से मिलेगा? ऊपर से मिलेगा, अर्थात परमेश्वर की ओर से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। भोर का प्रकाश, भोर के प्रकाश की विशेषता क्या है? रात पूरा अंधेरा था। अंधेरा लोगों को भय उत्पन्न करता है, अंधेरा लोगों के जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। वह अंधेरा हटकर, भय हटकर उनके जीवन में रोशनी लाता है, भोर का प्रकाश। 400 साल से इजरायली लोग नहीं, मनुष्य जाति अंधकार में पाए जा रहे हैं। जकरिया नबी भविष्यद्वाणी करके कह रहा है यह अंधकार का युग समाप्त होने का है, क्योंकि भोर का प्रकाश उदय होने वाला है। यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके लिए राज मार्ग तैयार करने के लिए जो आने वाला है, यदि वो जन्म हुआ है तो जरूर भोर का प्रकाश प्रकट होने का है। आशा जकरिया कभी बढ़ गया है। वह कहते हैं ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पावों को कुशल मार्ग में सीधे चलाए। अंधकार वह मृत्यु की छाया है, अंधकार डर का जगह है, मृत्यु की छाया, मृत्यु का भय मनुष्य में पाए जाते हैं, और हमारे पांव कुशल मार्ग से सीधा चले। मृत्यु का भय मतलब यह कौन सा है? पाप के अधीन में पाए जाने वाला मनुष्य, पाप का परिणाम रूप मिलने वाला मृत्यु, अर्थात अनंत काल का नरक। यह उनको भयभीत करता था, लेकिन यह भोर का प्रकाश जब प्रकट होता है तब अंधकार हट जाते हैं, प्रकाश प्रकट होता है। जब प्रकाश प्रकट होगा रास्ता दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देते हैं, तो वह रास्ते से होकर वे यात्रा करके आगे जा सकते हैं। अंधकार से 400 साल से अंधकार इन्हें घेरा हुआ था, सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह भोर का प्रकाश मसीहा प्रकट होने वाला है, अर्थ अंधकार दूर होगा। यदि वह प्रकट हो गया है तो मार्ग सीधा दिखाई देगा। कौन सा मार्ग? मनुष्य जाति स्वर्ग पहुंचने का मार्ग प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भोर का प्रकाश प्रकट होने वाला है। इसलिए कहते हैं हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। 80 और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इसराइल पर प्रकट होने तक जंगलों में रहा है। कौन सा बालक? ये यूहन्ना। ये बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया। हेलो, बच्चा बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्या? हाथ पैर शरीर सब कुछ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे शरीर में बढ़ता है, साथ ही साथ
आत्मा में भी बढ़ना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. नहीं तो खतरा है, नहीं तो खतरा है. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शरीर में बढ़ता गया, उसके साथ साथ आत्मा में बलवंत होता गया. केवल बच्चा ही नहीं, हम सबके सब जैसा बढ़ता है आत्मा में भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. हेलो हेलो. जितना बढ़ता है उतना आत्मा में भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. इसका मतलब बचपन में जितना आत्मा में बढ़ा उससे ज्यादा लड़कपन में, उससे ज्यादा जवानी के दिनों में, उससे ज्यादा हमारी आयु में, उससे ज्यादा बुजुर्ग अवस्था में. हेलो हेलो. बढ़ते जा रहा ना, जैसा बढ़ते जा रहे आत्मा में क्या होता जाना है. लेकिन कई बार देखता हूं कई लोग प्रभु बढ़ता है लेकिन बुजुर्ग अवस्था में कई लोग क्या हो जाता है, हैं? उतना बलवंत दिखाई नहीं देता है. हेलो, प्रेज द लॉर्ड. यदि भी हम बुजुर्ग लोग कम हैं तो भी कहूं बुजुर्ग लोग जब बुजुर्ग होते जा रहे ना, आत्मा में बलवंत होना. जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं आप आत्मा में बलवंत होना है तो करना क्या है, दुनिया की कई बातों को छोड़ना है, कई जिम्मेदारियों को छोड़ना है. कई जिम्मेदारियां, वसत आप बिजनेस करने वाले हो, दूसरा धंधा करने वाला हो या कुछ अन्य काम करने वाले हो, आप उम्र में बढ़ता है एक काम करना, जितनी बातों से आप अलग हो सके उतनी बातें जो दुनिया में पाए जाते हैं अलग हो जाए और किसके नजदीक जाए, परमेश्वर के नजदीक जाए. तब आपका अंतिम समय आपके लिए डरावना नहीं रहेगा बल्कि आपके लिए प्रभु में आनंदित होने का रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. मेरी बात को समझ रहे क्या? लेकिन याद रखना, शैतान सबसे ज्यादा जो काम करता कब है मालूम, आपकी बुजुर्ग अवस्था में. और सत्य आप जवानी के दिनों में अपने अपने आयु में प्रभु में बना रहा हो तो शैतान जब आप शारीरिक रूप में कमजोर होता है आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा. मेरी बात को समझ रहा होगा, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा. शैतान का एक ही उद्देश्य है, आप कहां ना पहुंचे, स्वर्ग ना पहुंचे. मेरी बात को समझ रहा है, आप कहां ना पहुंचे, स्वर्ग ना पहुंचे. बुजुर्ग हो गया इसका मतलब जाने वाला है. हेलो, कई बुजुर्ग लोगों को देखने से लगता है अभी 100 साल और जिएगा. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन जैसा हमारा उम्र बढ़ते जा रहे हैं हम अपना नजर स्वर्ग की ओर लगाना है, परमेश्वर के नजदीक और जाना है और उस नजदीक से हटाने वाली सारी बातों से और सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को अलग करना. हमारा लक्ष्य, आपका लक्ष्य आगे पृथ्वी नहीं है, आपका लक्ष्य स्वर्ग है. प्रेज द लॉर्ड. शैतान एक व्यक्ति का अंतिम क्षण तक उसके विरोध में काम करेगा कि यह कहां ना जाए, स्वर्ग ना जाए. एक नामी भविष्यद्वक्ता, भारत का सबसे नामी भविष्यद्वक्ता, उसके अंतिम सभियों में शैतान उसको उतना परेशान किया, वह एक प्रकार से विचलित होने लगा. कुछ समय के बाद उसने आत्मा में होकर प्रार्थना करने लगा. उसने यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को डांटा, मेरी स्वर्गीय प्रवेश में रुकावट पैदा करने वाला दुष्ट शैतान मेरे पास से हट जाए. ये कहा तुरंत वह कहता है मैं स्वर्ग देख रहा हूं,
स्वर्ग मेरे लिए खुला है, ये कहकर वह प्राण छोड़ दिया है। कहने का मतलब क्या है? वह मरने का समय था, उस वक्त भी शैतान उसका विश्वास को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन आत्मा में उसने वो शैतान पर क्या पाया है? जय पाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम बढ़ते जा रहे हैं, हम आत्मा में भी बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना जैसा बढ़ा वैसा आत्मा में भी क्या होता गया? बढ़ता गया। प्रभु से हमारी प्रार्थना ये हो, प्रभु अनुग्रह दे, जैसा मैं बढ़ रहा हूं वैसा ही आत्मा में भी बलवंत होने के लिए आप मेरी सहायता कर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें।